नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। एमसीडी चुनावों पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज दिल्ली दरबार आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में चुनावी दंगल से ठीक पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। केजरीवाल सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठे हैं और सबसे ताजा आरोप है वीके शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में। केजरीवाल सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए वीके शुंगलू कमेटी तैयार की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें केजरीवाल सरकार में की गई नियुक्ति, जमीन और आवास के आवंटन में धांधली और नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। केजरीवाल पर मानहानि केस के लिए वकील की फीस सरकारी खजाने से देने पर भी सवाल है। अब से कुछ ही दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विज्ञापन पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी से वसूलने के आदेश दिए थे। केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। आरोप है कि जैन ने हवाला के जरिए 16 करोड़ से ज्यादा की रकम को सफेद किया, व्हाइट मनी में तब्दील किया और उसके बाद उसका इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया। केजरीवाल की पार्टी में ही अंदर खाने में उनके खिलाफ बगावत के सुर भी तेज होने लगे हैं। बवाना से पार्टी के विधायक वेद प्रकाश बगावत कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि वीके शुंगलू कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें केजरीवाल और उनकी सरकार पर सवाल क्या क्या उठाए गए। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की नियुक्ति को गलत बताया गया है। सबसे पहला आरोप यह लगा, यानी कि नियम तोड़े गए और फिर सौम्या को हेल्थ मिशन का डायरेक्टर बना दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ओएसडी पद पर निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति भी अवैध तरीके से की गई, ये सवाल भी एक उठा है। निकुंज अग्रवाल सीएम अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। पर्यटन मंत्रालय में ओएसडी के तौर पर रोशन शंकर की नियुक्ति भी गलत तरीके से की गई है। केजरीवाल ने अधिकारियों के तबादले और साथ ही उनकी तैनाती में गलत तरीके का इस्तेमाल किया। एंटी करप्शन ब्यूरो में अधिकारियों की नियुक्ति पर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में भी सवाल उठाए गए। दिल्ली सरकार के वकीलों की नियुक्ति पर भी शुंगलू कमेटी ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की जो प्रक्रिया है उस पर भी क्वेश्चन किया गया। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक की बात, उस पर भी सवाल उठा है। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए जो फोन नंबर जारी किया गया 1030, उसकी प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राउज एवेन्यू में आम आदमी पार्टी दफ्तर के लिए गलत तरीके से बंगले का आवंटन किया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, उन्हें भी गलत तरीके से सरकारी घर का आवंटन कर दिया गया। स्वाति मालीवाल को सरकारी घर दिए जाने का नियम नहीं था, उसके बावजूद ये आवंटन किया गया। आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को गलत तरीके से टाइप वी घर दे दिया गया। दिल्ली के मंत्रियों के विदेश दौरे पर भी सवाल शुंगलू कमेटी की इस रिपोर्ट में उठाए गए। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन को हेल्थ मिशन का डायरेक्टर, इस पद पर नियुक्ति को गलत बताया गया है। सत्येंद्र जैन ने सफाई में कहा है कि नियुक्ति केंद्र सरकार के मंजूरी के बाद हुई है। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल पर भी बड़ा आरोप लगाया। सत्येंद्र जैन ने कहा कि पूर्व एलजी ने अधिकारियों से जबरदस्ती दस्तखत कराए। रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति मालीवाल को नियम तोड़कर घर का आवंटन किया गया और इस पर स्वाति मालीवाल की सफाई भी आ चुकी है। स्वाति मालीवाल ने कहा, मुझे घर कैंप ऑफिस के तौर पर मिला और मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। सब झूठ फैला रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। शी वॉज वर्किंग इन दिल्ली हेल्थ मिशन, स्टेट हेल्थ मिशन है, उसके अंदर वो एडवाइज़र थी और उसकी परमिशन अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होता है, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली गई थी। अफसरों को बिठा के एलजी साहब ने बुला के धमका के उनसे झूठे नोट लिखवाए गए हैं। प्रोफाइल में आपको दिखाऊंगा कि उनको जेल जाना चाहिए जिन्होंने ऐसा लिखा है। जी, गैर संवैधानिक है या नहीं ये तो बिल्कुल अभी निर्णय होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय लेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा मैटर वहाँ पे पेंडिंग है। सरकार कौन है, एलजी साहब ने डिसाइड करना है, चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड करना है। बहरहाल जहाँ तक मेरे घर की बात है तो मैं ये बता रही हूँ कि ये कैंप ऑफिस की तरह हमें दिया गया है और क्योंकि 30,000 रुपये की मेरी सैलरी है, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, शनिवार को भी काम कर रहे हैं, इतवार को भी काम कर रहे हैं। रात में जब महिलाएं मेरे पास आ रही हैं तो मैं उनसे कहाँ पे मिलूं, उस कारण से कैंप ऑफिस की तरह दिया गया। अगर एलजी साहब को लगता है कि गलत है तो बिल्कुल वापस ले। तो
वीके शुंगलू ने जी न्यूज से बातचीत की है। मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता ने रिपोर्ट बनाने वाले वीके शुंगलू से रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी रिकमेंडेशंस दे चुका हूं, फैसला एलजी लेंगे। सर कुछ दिक्कत तो नहीं है आपको कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन? अगर दिक्कत होती तो मैं उसी वक्त बोलना चाहिए था जी, है ना, खत्म। सर एक आखिरी सवाल, जो ये पूरी रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने मेंशन करी हैं, जो जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में हुए, दिल्ली गवर्नमेंट में जो चीज़ें हुई, सबसे बड़ी आपको खामी सर इसमें क्या लगती है? ये एलजी साहब को देखना है क्या बड़ा है क्या छोटा है। सर एलजी साहब को कुछ रिकमेंडेशंस दिया है सर आपने? सारे रिकमेंडेशन एक ही लेवल के हैं जी। कौन पॉलिटिकली आप बड़ा समझते हैं, कौन कम समझते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, ये आपका विवेक है, मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। सर सबसे बड़ी इसमें खामी यही रही कि एलजी की परमिशन नहीं ली गई तमाम चीज़ों में। ये आप रिपोर्ट पढ़कर अपने निर्णय खुद निकालो। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। जेपी अग्रवाल ने कहा है कि केजरीवाल को जनता के सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, तो बीजेपी ने कहा केजरीवाल सरकार दिल्ली में खुली लूट कर रही है। और इसमें बहुत सारी ऐसी रेगुलरिटीज हैं जो कानून के दायरे के अंदर काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, कानून के दायरे से बाहर हुआ। बहुत सारी इन्होंने प्रिविलेजेस दूसरों को दी है जो नहीं दी जा सकती थी, और बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। जब एक कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट आई है तो सिलसिलेवार तौर पर इनको उसका जवाब देना चाहिए। जब ये कहते हैं पारदर्शी होना चाहिए तो पारदर्शी आप जो भी सवाल है उसका जवाब दो, जनता को मालूम तो हो कि आपका इन चीज़ों के बारे में क्या जवाब है, आपने इस्तेमाल करा नहीं करा, आपने फाइनेंशियल लॉस सरकार को दिया है नहीं दिया, कोई तो बताएगा ही, तो ये सरकार का काम है बताए, और अगर आपने कहीं गुनाह तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। चुंगलू कमेटी की रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार नियम कानून से नहीं चल रही है। यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, यहाँ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी है, और एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि खुली लूट आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में हुई है। इस रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया, भाई भतीजा विवाद हुआ है, अपने सगे संबंधियों को बड़े बड़े औहदों पर बड़ी बड़ी तनख्वाह के साथ रखा गया है, और अपने पार्टी के लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाह दे करके उनको नवाजा गया है, और एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ये सरकार चल रही है। तो मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता इस पूरे खबर को कवर कर रहे हैं दिल्ली से, इस वक्त वो मेरे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अश्विनी, कुल मिलाकर ये रिपोर्ट देखने के बाद क्या ये कहा जाए कि ये पद के बेजा इस्तेमाल का पूरा मामला बनता है, और दूसरी तरफ अब रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए रिपोर्ट को अगर हम लोग पढ़ें तो ऐसा लगता है कि तकरीबन सभी फैसले जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लिए हैं उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। और रिपोर्ट में जो एक सबसे बड़ी बात लिखी है वो ये है कि जो अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने लगातार इस बारे में अरविंद केजरीवाल को और उनकी सरकार को आगाह किया कि आप जो फैसले ले रहे हैं वो नियमों के मुताबिक नहीं है, जो प्रशासनिक कायदे बनाए गए हैं उसके मुताबिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन सलाह की अनदेखी करके अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने इस तरह के फैसले लिए। और हम आपको बताएं, जो एक बड़ी बात लिखी है, 15 अप्रैल 2015 को खुद उस वक्त जो एलजी थे नजीब जंग, उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी थी कि आप कानून का पालन करें, लेकिन 29 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने ये आदेश जारी किए, ये निर्देश जारी किए सभी सचिवों को कि सिर्फ ज़मीन कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मामलों को छोड़ करके सभी मामलों पर आपको एलजी के परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने आप इसके ऊपर फैसले कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर सवालात उठाए गए हैं, और इससे जो है सरकार की मंशा पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है कि आखिरकार क्या आप कानून व्यवस्था की जानकारी होने के बाद भी जानबूझकर क्यों आप नियमों की अनदेखी कर रहे थे, और इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इस तरह की चीजें की गई, ये तमाम चीजें अब देखने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी पूरी जानकारी देने के लिए।